दुनिया में रूहों आत्माओं के बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं। कई लोगों ने तो इसे एक्सपीरियंस भी किया हुआ है और कई लोगों का ये दावा है कि उन्होंने भूतों को देखा भी है। अब भाई, रूहों के अस्तित्व में कितनी सच्चाई होती है, लोगों का अपना अपना राय होता है। लेकिन मान लो कभी देर रात एक सुनसान रोड या किसी ऐसी जगह पर अगर आपके सामने कोई आत्मा आ जाए तो उस टाइम भी आप क्या करेंगे? यार देखो, आत्माओं या रूहों या फिर किसी भी अदृश्य शक्ति का कोई शारीरिक रूप नहीं होता ये, लेकिन इनके पास बेमिसाल शक्तियां होती हैं। जरा एक बार के लिए सोचिए कि जब ये बिना शरीर के इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती हैं कि वो अपने होने का आपको आभास करा देती हैं, वो वास्तव में कितनी ज्यादा भयानक होगी। अब देखिए, आत्मा है, रूह है या कोई भी अदृश्य शक्ति है तो इंसानों के दिमाग में उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे कि वो हमेशा एकांत में ही क्यों होते हैं या फिर वो सामने क्यों नहीं आते, वगैरह वगैरह। तो बता दो कि उन्हें हमारे सामने आने में कोई समस्या नहीं होती है। दोस्त तो हमारी आंखों का होता है, वो तो दुनिया के हर कोने में हर वक्त मौजूद होती हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। अब आप उनकी उपस्थिति का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि अभी आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आपके बगल में बैठकर, मे बी वो भी आपके बगल में बैठकर सुन रही हो या फिर देख रहे हो। क्या आप लोगों के दिमाग में भी ये बात आती है कि ये आते कहाँ से हैं, इनका जन्म कैसे होता है? तो बता दूं कि इनका जन्म नहीं होता है, बल्कि मनुष्य, जीवों, जानवरों के मरने से ये उत्पन्न होती हैं और इनका कोई आकार नहीं होता। तो चलिए अब बात करते हैं मेन स्टोरी पे, जो सच्ची घटना है जापान के सिंगापुर के ऐसे हॉस्पिटल के बारे में जो कि जापान सैनिकों के इलाज के लिए बनाया गया था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये हॉस्पिटल उनकी कब्रगाह बन जाएगा। चंगी अस्पताल का निर्माण सन 1930 में कराया गया। यह अस्पताल नॉर्थन रोड के किनारे चंगी गाँव के पास बनाया गया, इसलिए इसका नाम चंगी अस्पताल पड़ गया। उस समय यह एक मिलिट्री अस्पताल हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर के चंगी गांव के आसपास जापानियों का कब्जा हो गया था। उस समय हजारों की संख्या में जापानी सैनिक इस अस्पताल में लाए जाते थे। इस अस्पताल में उन सैनिकों का इलाज किया जाता था। इलाज के दौरान इस अस्पताल में सैनिकों को उपचार देने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं था। इसके अलावा रोजाना सैकड़ों की संख्या में घायल जवानों के आने का सिलसिला जारी हो गया। इस समय इस अस्पताल में नर्स, चिकित्सक और कुछ सुरक्षाकर्मी भी थे। सैनिक इतने ज़्यादा घायल होते थे कि उनका बचाना कठिन होता था और देखते देखते हजारों की संख्या में जवानों की मौत होने लगी। अस्पताल में हो रही इन मौतों के कारण अस्पताल में एक भयानक बीमारी ने जन्म ले लिया और यह बीमारी अस्पताल के स्टाफ में भी फैल गई। इस अस्पताल में काम करने वाले दो नर्सों की भी बीमारी के चलते मौत हो गई थी। इसके अलावा एक चिकित्सक की भी मौत हो गई थी। यह अस्पताल एक बहुत ही विशाल भवन था, इसमें कई ब्लॉक्स थे, साथ ही इसमें बहुत ढेर सारे वार्ड भी थे। लगातार हो रही मौतों के कारण यह अस्पताल उस समय एक मनहूस जगह बन चुकी थी। उस समय जो जवान घायल अवस्था में लाए गए थे उसमें से बहुत कम ही जिंदा वापस जा सकते थे। ज्यादातर जवानों की वहीं पर मौत हो जाती थी, जिसके कारण उस अस्पताल में मर चुके जवानों की रूहें भटकने लगी और देखते ही देखते कुछ दिनों में वही उनका बसेरा हो गया। उस समय से लेकर आज तक उन जवानों की रूहों को उस अस्पताल में साफ महसूस किया जाता है। जवानों की लाशों को उस समय अस्पताल के पीछे एक ब्लॉक में, जिसे मर्चुरी कहा जाता था, वहां रखा जाने लगा। रोजाना सैकड़ों लाशें लाई जाने लगी थी और मौत का तांडव शुरू हो चुका था। अस्पताल के दूसरे माले पर कई बार रात में लोगों ने एक वृद्ध व्यक्ति का साया देखा। इसके बारे में अस्पताल प्रबंधन को भी बताया गया, लेकिन इस मामले पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था। एक बार एक व्यक्ति दूसरे माले से अचानक गिर गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। जब अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा था उस वक्त उसने बताया कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे बलपूर्वक धक्का दे दिया हो, और कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद से दूसरे माले पर लोग अकेले जाने में डरने लगे। कई लोगों ने दावा किया कि उस मालिक पर किसी के ठहाके लगाकर हंसने की भी आवाजें आती थी।
अस्पताल में एक नर्स का साया भी बहुचर्चित है। एक बार एक जवान का इलाज करते समय एक नर्स ने से कुछ गलती हो गई। उस समय जवान गुस्से में उसे बुरी तरह मारने पीटने लगा। उस समय वो नर्स पेट से गर्भवती थी और उस जवान ने पैर से उसके पेट पर भी वार कर दिया। पेट पर वार करते ही वो नर्स जमीन पर तड़पने लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक कई बार उस नर्स के साये को भी वहां देखा गया है। उस नर्स का साया आज भी कभी जमीन पर रेंगती है और खुद को बचाने का गुहार लगाती है। कभी कभी वो अपने हाथ में एक खंजर लिए घूमती है। एक व्यक्ति ने दावा किया कि वो जब अस्पताल के तीसरे माले पर गया तो उसने वैसी ही एक महिला का साया देखा था और जब उसने उसके करीब जाने की कोशिश की तो वहां पर महिला और बच्चे की रोने की आवाज आने लगी, जिसके कारण वो वहां से भाग खड़ा हुआ। साथ ही चौकीदार का भूत इस अस्पताल में कहीं भी मिल जाता है। इस चौकीदार के बारे में कई लोगों ने दावा किया है कि उन लोगों ने उसे बात भी की थी। कुछ ऐसा ही मामला दो भाइयों के साथ भी हुआ था। दोनों भाई अपने स्कूल से वापस लौटकर इस अस्पताल में घूमने के लिए आए थे। अस्पताल के गेट पर आकर उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की और अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि तभी अस्पताल का चौकीदार उनके पास आया। चूंकि दोनों भाई पहली बार उस अस्पताल में आए थे और पूरा अस्पताल वीरान था, तो उन दोनों भाइयों ने उससे बातें करनी शुरू कर दी। जब वो कुछ दूरी पर बात करते गए और दूसरे माले पर पहुंचे तो चौकीदार ने एक भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बस बहुत घूम लिया तुम लोगों ने, अब घर जाओ। जैसा कि दोनों भाइयों ने बताया कि उस आदमी के पास से भयानक बदबू आ रही थी और उसकी आवाज भी काफी भारी थी। जब उसने ये बात कही तो हम डर गए, क्योंकि कई बार हम लोगों ने उस अस्पताल के बारे में सुना था और अंधेरा भी हो रहा था, इसलिए हम वापस आने लगे। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने चौकीदार से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो चौकीदार ने उसी तरफ इशारा किया जिधर उसने हमें जाने से रोका था। फिर हमने पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं, तो उसने बताया कि मैं कई सालों से इस अस्पताल में लोगों की सेवा करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि यह अस्पताल अब बंद हो गया है, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हम दोनों उसके पीछे पीछे नीचे उतरे, लेकिन वो नीचे कहीं भी नहीं दिखा। इतना देखकर हम दोनों वहां से निकल गए और बाइक के पास आ गए। हम दोनों काफी डरे हुए थे और जल्दी जल्दी में बाइक का लॉक भी नहीं खोल पा रहे थे। इसी समय एक भाई की नजर दूसरे के हाथ पर पड़ी, जिसका हाथ उस चौकीदार ने पकड़ा था। उसके कलाई पर एक काला निशान बन गया था। इतना देखते ही दोनों घबरा गए और वहां से भाग निकले। इस अस्पताल में चारों तरफ रूहों का कब्जा है। कभी भी आप इन रूहों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन इस अस्पताल में अकेले घूमने नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कई बार रूहों को एहसास मात्र से कई लोगों के साथ हादसे हो गए हैं। विशेषकर दूसरे माले पर वहां से अब 3 लोगों की अपने आप ही गिरने से मौत हो गई थी। यदि आपको इन्हें महसूस करना है तो कभी भी अकेले ना जाएं। तो ये थी चंगी अस्पताल की कुछ खास जानकारियां। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।